अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। क्या आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं इस्लामिक तालीम के साथ? तो उठाएं अपना फ़ोन और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल हयाल अल-फलाह किड्स, जहां हम पढ़ाते हैं अपने बच्चों को 2D और 3D एनिमेशन के साथ। जो ये शोभा यात्रा निकला हुआ है आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, तमाम जो राम भक्त हैं इस शोभा यात्रा में DJ की धुन पे नाच रहे हैं और अपना खुशी जो है गाने के माध्यम से और नाच के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। आप हमारी स्क्रीन पर तमाम देख सकते हैं, लोग जो है भगवा रंग का वस्त्र पहने हुए हैं और हाथ में जो है भगवा रंग का झंडा लिए हुए हैं और इसमें भारत का भी तिरंगा लहराया जा रहा है। सभी जो राम भक्त हैं, तमाम जो राम भक्त हैं DJ की धुन पर थिरक रहे हैं और अपना खुशी जो है जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज जो है हसनपुरा नगर पंचायत में शोभा यात्रा निकला हुआ है, इसमें तमाम जो है हजारों की संख्या में श्री राम भक्त जो हैं इस शोभा यात्रा में पार्टिसिपेट किए हुए हैं और सभी जो है अपनी खुशी जो है डांस के माध्यम से दिखा रहे हैं। शोभा यात्रा में सबसे खास बात यह है कि जगह जगह पर है जो लोग समाजसेवी लोग हैं या जो आम आदमी है, जगह जगह पर जो जलपान जो शोभा यात्रा निकला हुआ है उसमें लोग जलपान करा रहे हैं। जो लोग हैं यहाँ पे तमाम जो समाजसेवी लोग हैं, जो भी शोभा यात्रा निकला हुआ है उसमें तमाम जो लोग हैं उसको सभी जगह 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 पे थोड़ी थोड़ी दूरी पे जो है लोगों के द्वारा जलपान कराने का और प्रसाद वितरण का स्टॉल लगाया गया है। ये शोभा यात्रा है प्रभु राम के जन्म के उत्सव में यह शोभा यात्रा निकला हुआ है। आज धूमधाम से लोग शोभा यात्रा का स्वागत करते हैं, अपने दरवाजे पर कलश रखकर सबका स्वागत करते हैं, दीप जलाते हैं और भगवान श्री राम का जयकारा लगाते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराने में आप लोगों ने बहुत बहुत सहयोग किया है। साथ ही समस्त माता बहन और बंधुगढ़ नगरवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कार्यक्रम को तन मन धन से इन लोगों ने शुरू से प्रत्येक वर्ष संपन्न कराने में सहयोग दिया है। आज जो है झांकी में बहुत सारी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, क्या कहना चाहते हैं उन सभी महिलाओं के लिए? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों पर चलने के लिए सभी माता बहनें बंधुगढ़ हमेशा तत्पर रहते हैं, उन्हीं के आदर्शों के लिए वो लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। नहीं, बहुत ही खुशी की बात है, आप देख रहे हैं जिस तरह का भक्तों का जुनून उमड़ पड़ा है, ये हमारे लिए आज बहुत ही गर्व की बात है। भगवान प्रभु श्री राम का आज यात्रा निकला हुआ है, बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं मैं और आपके पूरे टीम को भी। इस शोभा यात्रा में बहुत सारे युवाओं ने पार्टिसिपेट किया है, क्या कहना चाहते हैं उन सभी युवाओं के बारे में? बिल्कुल, युवाओं में जोश है, खरोश है, इसलिए बड़ा दम खम से लगे हुए हैं, होना भी चाहिए, ठीक ना। भगवान प्रभु का आज शुभ दिन है, उसमें सारे लोग भाग ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आज जो है इस शोभा यात्रा में महिलाओं की भारी तादाद देखी गई है, क्या कहना चाहते हैं सभी महिलाओं के बारे में? आज के युग में नारी शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है, हर चीज में नारी शक्ति का बहुत बड़ा इस समय सहभागिता है, ठीक है, इसलिए नारी शक्ति का महत्व देना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। तमाम जो युवा के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? सारे युवा का यह संदेश रहेगा कि सनातन धर्म के बारे में अपना क्लियर कट एकदम मंतव्य रखें कि हमको सनातन धर्म में कर रहा।